है भैया, कोई जुखाम बुखार की दवा दे दो, मेरी बिटिया की हालत बहुत खराब है। देता हूँ रमा बहन, पहले ये तो बताओ कैसा है बुखार? भैया छींक पे छींक आ रही है, खांसी है, गले में खराश है, कहती है बदन में और सर में दर्द हो रहा है, दिन भर भागती दौड़ती रहती है इसीलिए ऐसा होता होगा। रमा बहन मेरी बात मानो तो एक बार अस्पताल में जांच करा लो। जांच? वो क्यों भैया? देखो दवा तो मैं दे दूंगा, लेकिन जैसी दिक्कत तुम बता रही हो वो मुझे स्वाइन फ्लू के लक्षण लग रहे हैं। स्वाइन फ्लू? लेकिन मेरे घर में तो किसी को जुकाम बुखार है नहीं, फिर मेरी बेटी को कैसे हो सकता है? घर में किसी को नहीं है, लेकिन बाहर के लोगों से तो हो सकता है ना। स्वाइन फ्लू छूने से बहुत तेजी से फैलता है, जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो इसका वायरस हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है और फिर हवा के जरिए या छूने से इसका वायरस दूसरों के अंदर चला जाता है और उन्हें बीमार कर देता है। फोन या रिमोट के जरिए भी इसका वायरस फैल सकता है, अगर इन चीजों का इस्तेमाल पहले से किसी बीमार आदमी ने किया हो तो। इसके लक्षण आम फ्लू जैसे ही होते हैं, लेकिन लापरवाही के कारण ये दिक्कत बढ़ सकती है। नहीं भाई, मैं आज ही जाकर अस्पताल में जांच कराती हूँ। बिल्कुल, ख्याल रखना। आपकी बेटी को तो स्वाइन फ्लू हुआ है। क्या? हे भगवान, यह तो बहुत खतरनाक बीमारी है। देखिए घबराइए नहीं, स्वाइन फ्लू रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी बीमारी है जो ए टाइप के इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है, इसे H1N1 भी कहते हैं। डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगी ना? 5 दिन के इलाज के बाद आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। स्वाइन फ्लू का इलाज 48 घंटे के भीतर शुरू हो जाना चाहिए। इस बीमारी से लड़ने के लिए सबसे जरूरी है अपने दिमाग से इसका डर निकालना। ज्यादातर मामलों में वायरस के लक्षण कमजोर ही दिखते हैं। जिन लोगों को स्वाइन फ्लू हो जाता है वो इलाज के जरिए 7 दिन के भीतर ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब तब फिर इसे इतनी खतरनाक बीमारी क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि कुछ लोगों को इस बीमारी से खतरा ज्यादा होता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, फेफड़े, किडनी, दिल, दिमाग और डायबिटीज वाले मरीजों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। क्या सावधानी बरतनी चाहिए डॉक्टर साहब इस बीमारी से बचने के लिए? H1N1 वायरस से निपटने के लिए सबसे ज्यादा साफ सफाई की जरूरत होती है। स्वाइन फ्लू प्रभावी जगहों पर हमेशा मास्क पहनकर जाना चाहिए। इसके साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वाइन फ्लू के मरीजों के साथ अपना कोई भी सामान जैसे तौलिया, चश्मा आदि शेयर ना करें। बाहर से आके हाथों को साबुन से अच्छे से धोएं और एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। स्वाइन फ्लू के लक्षण वाले मरीज के क्लोज कॉन्टेक्ट में आने से बचें, उनसे हाथ ना मिलाएं और अपने हाथ समय समय पर धोते रहें। जिन लोगों को सांस लेने में परेशानी हो और 3-4 दिन से तेज बुखार हो उनको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और डॉक्टर साहब अगर किसी को ये बीमारी हो गई हो तो उसे क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को मास्क पहनना चाहिए और घर पर ही रहना चाहिए, जिससे ये बीमारी बाहर दूसरे लोगों को ना फैल सके। छींकते और खांसते समय मुंह पर रुमाल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। समझ गई डॉक्टर साहब, अब मैं खुद को और अपने परिवार को इस बीमारी से बचा सकती हूँ। आप भी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।